कॉमेडी क्वीन भारती सिंह और उसके हस्बैंड हर्ष लिबाचिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ड्रग्स मामले को लेकर भारती और हर्ष पर एनसीबी ने एक बार फिर शिकंजा कस लिया है। एनसीबी ने कपल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति हर्ष लिबाचिया के खिलाफ कोर्ट में 200 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट ड्रग्स मामले को लेकर फाइल की गई थी। बता दें कि ड्रग्स के एक मामले में कपल को 2020 में गिरफ्तार किया गया था। वे फिलहाल जमानत पर बाहर है, लेकिन अब एक बार फिर भारती और हर्ष की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2020 के अंत में ड्रग्स का सेवन करने के आरोप में भारती और हर्ष को गिरफ्तार किया था। भारती और हर्ष के घर और ऑफिस पर छापेमारी की गई थी, जिसमें 86.50 ग्राम गांजा जब्त किया गया था। एनसीबी ने दावा किया था कि भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिबाचिया दोनों से पूछताछ में गांजे के सेवन का ही बात को स्वीकारा है। इसके बाद भारती सिंह को एनडीपीएफ एक्ट 1986 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में दोनों जमानत पर बाहर आ गए थे।